अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। कैसा एक्सपीरियंस रहा है सरगोधा में आपका? सरगोधा में सर बड़ा आप कह सकते हैं कि पहले एक दो दिन तो बड़ा जो है मायूस किया है हमें, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस। तो ये कितने दिन की आपकी नुमाइश थी? ये हमारी 3 दिन की नुमाइश थी, आज हमारा तीसरा और आखिरी दिन है। तो आपको क्या मतलब सरगोधा की वहाँ से रिस्पॉन्स मिला है? आपको मतलब लोग आए हैं, आप चीजें चीजें लेके गए हैं, तो कितना का अच्छा रिस्पांस मिला आपको? जी आई थिंक गर्मी वगैरह यहाँ पे ज्यादा है, उस वजह से थोड़ा सा लोगों का फ्लो वगैरह कम था। फर्स्ट डे भी ठीक था फ्लो, दूसरे दिन तो थोड़ा सा मायूस हुए हम, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छा रिस्पांस मिला। तो आज मतलब लास्ट डे आपका? जी जी आज। भाई ये मतलब जो जिससे आप खड़े हुए हैं, उसका क्या चक्कर का? ये सर बॉडी शेपर है ठीक है, आपको वेट लॉस करता है, 10 मिनट में 160 कैलोरीज बर्न करता है। जी वाइब्रेटिंग है, चला के बिल्कुल दिखाएंगे एक सेकंड। देखें जी ये ऐसे ना बॉडी शेपिंग करता है आज ठीक है, इसमें आपको पोजीशनिंग मिल जाती है, ये है इसकी जॉगिंग पोजीशन, ये है रनिंग पोजीशन। मेन इसका जितना आपकी रनिंग से इफेक्ट होता है ना आपकी बॉडी पे, इससे उतना इफेक्ट होता है ठीक है। ये आपकी 10 मिनट्स में 160 कैलोरीज बर्न करता है। अच्छा, इसकी जो प्राइस वगैरह जो आपने फिक्स किया? तो इसकी सर एक्चुअल प्राइस 80,000 है, अभी यहाँ पे ऑफर में हम इसे दे रहे हैं फाइनल 49 का। अच्छा, मैं खड़ा हो जाऊँ इसके ऊपर कोई मसला तो नहीं है? नहीं नहीं सर, आप खड़े हो जाए कोई मसला नहीं, आप आए। ये देखें अभी ना आपको ये शेकिंग कर रहा है, ऐसा ही है ये भाई, यकीन करें एकदम मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं ना कोई और दुनिया में आ गया, हल्का हल्का सा फील होने लग गया। अभी आप इस पे बैठे ब्लड सर्कुलेशन वगैरह के लिए। ये अभी ना मजे की बात ये है कि इसकी स्पीड 1 पे है एंड इट गोज टू 100, ये 100 तक जाती है, मतलब 100 तक जाएगी है। जी जी बिल्कुल 100 तक जाती है। इसके अंदर आप अपनी लेग्स वगैरह, अपनी थाइस, हाँ फुल ब्लड सर्कुलेशन के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आप इसको इस पॉइंट पे यूज करें ना, ऐसे करें ठीक है ठीक है, थोड़ा सा अपनी जो है ना कोनियों को इधर रखें थाइस के ऊपर। ये देखें अभी आपका ना हर जो है पार्ट में ब्लड सर्कुलेशन हो रही है, हर पार्ट टारगेट हो रहा है, हर पार्ट मोशन में, ऐसा ही है सर? ऐसी ही बात है यार, थैंक यू सो मच। लो जी मैं हूं ना चेयर की, क्या नाम है भाई चेयर का? क्या चेयर का मॉडल? मॉडल इसका मॉडल है यूजेम। यूजेम जी हमारा लेटेस्ट मॉडल है ठीक है। तो इसका मेन मकसद क्या है, मतलब ह्यूमंस को कैसे मतलब ये होता क्या है कि जिन लोगों को इसकी नॉलेज नहीं है ना, उनके लिए एक सिंपल मसाज चेयर है जो कि आपको मसाज दे रही है ठीक है, आपको रिलैक्स कर रही है। अगर देखा जाए इसका प्रॉपर काम क्या है, इसका प्रॉपर काम ये है कि ये आपको थेरेपी देती है, जिसको अगर मैं फिर वही बात पे आता हूँ कि अगर इस प्रोडक्ट की आपको नॉलेज नहीं है तो ये आपके लिए एक मसाज चेयर है, मसाज चेयर। लेकिन अगर आपको इसी प्रोडक्ट की नॉलेज है तो ये प्रॉपर आपके लिए एक थेरेपी चेयर है जो कि आपके प्रेशर पॉइंट्स एक्टिव करने में हेल्प करती है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी करने में हेल्प करती है, आपकी सर्वाइकल से स्टार्ट हो रही है, आपके सर्वाइकल से लेके L4 L5। तो इसकी रीजनेबल प्राइस जो मार्केट में अवेलेबल है वहाँ पे इसकी क्या प्राइस है और यहाँ पे इसकी क्या प्राइस है? एग्जीबिशंस में क्या होता है कि एग्जीबिशंस लगाए ही डिस्काउंट के लिए जाते हैं। अगर मैं आपको बताऊँ की इसकी वर्थ क्या है, इसकी एक्चुअल प्राइस है जो 3,30,000। अच्छा 3,00,000 ठीक है। जो उनकी डिस्काउंटेड प्राइस है इसकी वो है 2,30,000 ठीक है। जो आउटलेट्स पे दी जाती है वो उससे 20,000 से 25,000 रुपये का मजीद डिस्काउंट होता है जो एग्जीबिशंस पे। एग्जीबिशन पे एक ये होता है कि हमारी ब्रांड की प्रमोशन हो जाती है, दूसरी चीज़ ये होती है कि माशाल्लाह आधे से ज़्यादा पाकिस्तान हम फिर रहे हैं, आधे से ज़्यादा नहीं बल्कि हम सारा ही पाकिस्तान कवर कर चुके हैं। हमारे कराची, लाहौर, गुजरांवाला हर जगह पे। सरगोधा में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सरगोधा में बस ठीक ही रहे। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपको ज्यादा पूरी है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। अब मुझे लगता है कि मेरा मसाला थोड़ा ज्यादा ही हो गया, अब मुझे नेक्स्ट में लेना चाहिए यार, बड़ा मजा आया एकदम, ऐसे लग रहा है मैं ना जनाब नींद में हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र भाई। ये आप किधर से तशरीफ लाए हैं इधर सरगोधा में? इस्लामाबाद, दोनों जगहों पे बेस करते हैं हम लोग, दोनों जगहों पे हमारी मैन्युफैक्चरिंग भी है एंड जो है ना कराची से माल मूव होकर जो है ना इस्लामाबाद ज़्यादातर आता है, और प्रोजेक्ट्स वगैरह भी कर रहे होते हैं साथ में अलग से इंटीरियर डिजाइनर, और वो बेसिस 1975 है ठीक है, और जो ना 4th जनरेशन है हमारी जो ना, हम इसको जो ना चला रहे हैं जो आगे ठीक है। आउटलेट हमारी कराची एंड इस्लामाबाद दोनों जगहों पर है। तो इसकी आपकी सरगोधा के अंदर पहली मतलब नुमाइश है या इससे पहले भी आप कई शहरों में जा चुके हैं? जी दूसरे शहरों में तो होती रहती है, कराची, इस्लामाबाद और जो है ना बड़े शहरों में होती रहती है, सरगोधा में फर्स्ट टाइम है। तो सरगोधा में कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, मतलब यहाँ पे लोगों के साथ रवैया, लोगों का आना जाना लगा हुआ है, पहले 2 दिन कैसे गुजरे, आज आपका लास्ट दिन है, तो लास्ट दिन में आपकी आवाम का आमदोरफ्त कैसा रहा, यहाँ पे आपकी चीज़ें कितनी सेल हुई हैं,
मतलब क्या क्या सेल हुआ है उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मेरा तो ऑल ओवर सेल हो गया था, मैंने बेल्ट है जो है ना ये रेडियो पे सारी बाकी चीजें ऑल ओवर सेल भी हो चुका है, कुछ ऑर्डर्स भी हैं मेरे पास। तो जो ऑर्डर है हमने मतलब जो लोगों ने किए हैं यहाँ पे ऑर्डर, तो वो कितने दिन तक उनके पास पहुँच जाएंगे? उनकी पेमेंट पहले लेते हैं 3 और 4 वीक्स में जो है ना डिलीवर हो जाएंगे। ठीक है, तो उसकी पेमेंट पहले देती है वाम या वहाँ पे आपने एडवांस दिया? 70% लेते हैं यहाँ के वाम के लिए, खास डिस्काउंट था क्योंकि ट्रस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, हमने इनसे 50% जो है ना लिए। चलें ठीक ठीक है सर। और यहाँ पे जो मतलब लोग आ रहे हैं उनका सर आपके सर रवैया कैसा है बात करने में? सरगोधा की वाम का, सरगोधा की वाम आपको कैसी लगी? आपको मैसेज देना चाहते हैं टीवी को? और लोग हैं, अच्छे लोग हैं, कोऑपरेट करने वाले। कल एक साहब आए थे जी, कह रहे थे दोपहर का खाना माए थे सर, हम फारिग नहीं होते तो आप प्लीज़ तकल्लुफ नहीं कीजिएगा, पूरी नहीं है, जरूरत नहीं है जो है ना आप लेके आए। लेकिन वो नहीं मतलब आए नहीं है, लेकिन जो है ना आएंगे जरूर, शाम का हो सकता है लेके। ठीक है जी, आपने देखा कि यहाँ पे हमारी सरगोधा की जो वाम है उन्होंने इनके साथ भैया का अच्छा लगा, एक आए बंदे उन्होंने इनसे खाने का भी कहा कि आप हमारे साथ खाना खाएं, तो ऐसी उम्मीद है कि हमारे सरगोधा वाले इनको निराश नहीं किया होगा। तो हम ऐसे ही चाहते हैं कि हमारे पास कहीं कहीं से लोग जो हैं मतलब इन्वेस्टमेंट करें सरगोधा में, हमारा सरगोधा कोई किसी से कम नहीं है, तो सरगोधा वालों को चाहिए कि इस तरह की चीज़ें इन्वॉल्व करें हमारे शहर के। भाई आपको अब नेक्स्ट अगर कोई कहे ना खाने का तो साढ़ा नंबर दे देना।